सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम जारी है। डी आई खान में कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं तो कहीं कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। मजर अली की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन होंगे इलेक्शन नहीं होंगे ये बहस तो आज भी जारी है, मगर उम्मीदवारों की जानिब से लगाए गए तवील कामत बैनर्स और कलरफुल इश्तेहारात ने शहर की सड़कों को रंगीन कर दिया है। पहले तो इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आ रहा था, अब तो इलेक्शन जो जो करीब आ रहे हैं उसका माहौल जो है नज़र आ रहा है। रैलियाँ निकल रही हैं और कैंडिडेट घर घर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, वोट के लिए बात कर रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इंतखाबी सरगर्मियों का भी आगाज हो चुका है। वन टू वन मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग और रैलियों का इनेकाद ने इंतखाबात के माहौल को गर्मा दिया है और अब लोग इंतखाबी अमल पर बात करते दिखाई देते हैं। लोगों की मुश्किलात में जो है ना काफ़ी इजाफा हो चुका है। एक तो महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ रखी है, दूसरा इलेक्शन के हवाले से जो सिस्टम चल रहा है ना वो ये है कि इन लोगों को मसाइल का पता है कि लोगों के मसाइल बिजली, गैस, बेरोजगारी, ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि इलेक्शन से पहले जब ये लोग डोर टू डोर कंपेन करते हैं तो इनको ये चाहिए कि पहले ये लोगों के मसले को हल करें। गैर यकीनी कैफियत अब यकीनी सूरत हाल में तब्दील हो रही है। अब उम्मीदवार 8 फरवरी के पंजा आजमाई के लिए मसरूफ अमल दिखाई दे रहे हैं। मजाज न्यूज़, डेरा इस्माइल खान।